मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। आप लोगों को जानकर खुशी होंगी कि मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से जनाब मजीदुल्ला खान फरद, सदर मजलिस बचाओ तहरीक और दीगर अराकीन ने मुझे याकूतपुरा से इंतखाबात के लिए हुक्म दिया गया है और याकूतपुरा असेंबली इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे मैं जो हूँ नॉमिनेशन फाइल करूँगा। रिटर्निंग ऑफिस जो चंपापेट पर है, संतोष नगर के आगे डी मार्ट के ऑपोजिट में, वहाँ पर, और कल सुबह मज़ार गाजी मिल्लत पर हाज़िरी के बाद में इंशाल्लाह वहाँ पर हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यकीनन बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और उम्मीद करता हूँ कि याकूतपुरे की आवाम मुझे मौका देगी और याकूतपुरे को जो है नाम वाले की नहीं, एक काम वाले की ज़रूरत है। जो सालों से याकूतपुरा डेवलप नहीं हो रहा था, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उस याकूतपुरे को डेवलप करें और तेलंगाना का नंबर 1 हलका बनाकर हम आवाम को भेंट करेंगे हलके का। तो बहरहाल बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है यकीनन और बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वो मुश्किल दुआओं के ज़रिए दूर हो जाती है, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। नॉमिनेशन के लिए जो लोग भी हजरात आना चाह रहे हैं, मजलिस बचाओ तहरीक दफ्तर चंचलबुड़े पर सुबह 10 और 10:30 के दरमियान में आ जाइए, क्योंकि कल जुमा है और कल आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की। 3 बजे के अंदर सब चीज़ करना है, 12:30 से जो है नमाज शुरू हो जाती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि नमाजियों को डिस्टर्ब करें। 12 बजे के अंदर सब काम ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद में कल शाम में जलसा है। परमिशन के लिए मैं अप्लाई किया हूँ, कहाँ पर परमिशन मिलता नहीं मालूम, जहाँ पर भी परमिशन मिलेगा हम इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं दोबारा दोबारा उन तमाम मेरे चाहने वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि मुझे ये ज़िम्मेदारी दी गई है और आप लोगों से दुआओं की अपील करता हूँ। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़।